हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी बे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें देखिए 8, 27, 64, 125 दिया हुआ है। तो ये 8 2 का क्यू है, ये 27 3 का क्यू, 64 4 का क्यू, 125 5 का क्यू और ये 6 का क्यूब। नेक्स्ट जो होगा वो होगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है आपका 343। तो इसका आंसर हो जाएगा 343। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है। यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, यहाँ 16 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, ये मिसिंग है, इसको हमको फाइंड करना है। ये 142, ये 286 है। अब देखते हैं 7 × 2 + 2 क्या है, तो ये हो जाएगा मेरा 16। उसी तरह 16 × 2 + 2 करे तो ये हो जाएगा आप मेरा 34, और 34 × 2 + 2 करे तो ये हो जाएगा मेरा 70। ठीक है, और फिर 70 × 2 + 2 करे तो ये हो जाएगा मेरा 142, जो कि देखिए यहाँ दिया हुआ है, और 142 × 2 + 2 करे तो ये हो जाएगा मेरा 286। तो यहाँ पे क्या होगा, 70 इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखें, फिर एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 यानी इंक्रीमेंट 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, सॉरी 1 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, यानी इस साइड में अगर जो सर्कल का दो पार्ट हम कर दे तो इस साइड में 1 1 बढ़ रहा है, दूसरी साइड में देखते हैं 5, 7, 9 यानी इसमें +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, +2 यानी 11। तो 11 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4, ये एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 25 दिया हुआ है, 5 का अगर जो स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। फिर ये एक लाइन लेते हैं, 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 64 दिया हुआ है, यानी 8 का स्क्वायर 64। ये 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर 4। उसी प्रकार यहाँ 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 की बात करें तो ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसमें ये डायगनल इसकी है। ये मान लेते हैं ये एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल ये, इसकी ये हुई हाइट, ये हुई बेस है, 2, 15 × 2 ये हो गया 30। ठीक है, ये एक ट्रेंगल मान लेते हैं, ये हाइट हुआ, ये बेस हुआ, तो 7 × 2 = 14 हो गया। फिर ट्रेंगल ये मान लेते हैं, 7 × 9 = 63 हो गया। फिर ट्रेंगल ये मान लेते हैं, 15 × 9 = हो जाएगा आपका 135। तो ये मिसिंग आंसर क्या हो जाएगा, 135 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6, ये एक स्क्वायर है, उसी प्रकार इसमें भी ट्रायंगल दिया हुआ है, 5 ये इसका हाइट है, ये बेस है, तो 5 इसमें प्लस हुआ है, 5 + 3 = 8 हो गया। फिर ये ट्रायंगल लेते हैं, तो इसमें हो गया 3 × 4 तो ये हो जाएगा 12। तो मान लेते हैं ये 12 हुआ, 12 ये इसका हाइट 12 हो गया, और ये 12 + 1 क्या हो जाएगा, 13। देखिए ये 5 है आपकी, ये 3 है, तो ये प्लस ये 8 हो गया, ये आपकी 8 है, ये 4 है, तो 8 + 4 = 12 हो गया, और ये आपकी 12 है प्लस ये 1 है, तो 12 + 1 ये 13 हो गया। तो 12 इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए 3 है, ये 5 है, अगर हम उसके नेक्स्ट क्या है 16 है, फिर नेक्स्ट क्या है 81 है, फिर नेक्स्ट 406 है, तो ये देखने से हमको पैटर्न पता लग रहा है कि अगर जो हम 5 × 3 करें, 5 × 3 तो 15 आ जा रहा है,
नेक्स्ट में क्या दिया, वन दिया हुआ है, 16 दिया हुआ, तो प्लस वन कर देंगे तो यह 16 हो जाएगा। फिर हम उसी प्रकार के 16 इंटू 5 इक्वल टू क्या होता है 80, अब प्लस वन कर देंगे तो 81 हो जाएगा, यानी मेरा ये निकल जाएगा 81 प्लस 5 प्लस वन कर देंगे तो मेरा ये हो जाएगा 406, और 406 प्लस 5 सॉरी मल्टीप्लाई 5 प्लस वन कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2031। 2031 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 देखते हैं, ये 2 है 4 है यहाँ पे 20 है, 3 है 8 है 90 है, 1 है 5 है व्हाट, यहाँ क्या होगा। तो सपोज इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू 16 हो जाएगा, और 4 प्लस 16 कर देते हैं तो ये मेरा 20 हो जाएगा जो कि यहाँ दिया हुआ है। वो पता लग तो अब वो पैटर्न पता लग रहा है कि अच्छा ये दोनों का स्क्वायर कर प्लस कर देंगे तो मेरा ये मिल जा रहा है। तो ये देखते हैं ये पैटर्न इसमें भी लागू होता है कि नहीं। फिर इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो गया, इसको स्क्वायर कर देंगे 81 हो जाएगा, प्लस कर देंगे 90, सही है यार पैटर्न मिल रहा है। अब उसी पैटर्न पे हम इसको फाइंड कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 26 इज द राइट आंसर। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।